अभी भी हमारी कोशिश रहेगी हम आपको पूरा मेला घुमाएं, एक एक चीज़ दिखाएं और व्यवस्थाओं मिलेगी, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कहाँ पे उनको दुकानें मिलेंगी किराए पर रहने के लिए, तो सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। अभी खड़े खड़ी लोग की अभी। अच्छा पीछे कहाँ से आए अभी? पीछे आया जो बोंडा। दोस्तों राम राम जी, आप देख रहे हैं सिटी 71। पूरे यमुनानगर जिले का अगर सबसे फेमस अगर कोई धार्मिक अगर कोई नगरी है तो वह है कपाल मोचन। जी हाँ, इस समय मैं मौजूद हूँ, कपाल मोचन एक धार्मिक नगरी है, बिलासपुर से करीब 3-4 किलोमीटर दूर एक बड़ा ही अच्छा धार्मिक स्थान है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा, वैसे आपको सभी को पता ही है कि यहाँ पर हर साल गुरुपर्व को यहाँ बड़ा तकड़ा के मेला लगता है जो करीब एक हफ्ता चलता है, और इस बारी वो मेला 15 नवंबर को लगने जा रहा है और तैयारियाँ यहाँ चल रही हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे 3 सरोवर हैं मेन, मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे ऋणमोचन, गौबच्चा घाट और सूरज कुंड, ये 3 सरोवर हैं जी। चौथा यहाँ पे गुरुद्वारा साहब है जो पातशाही 1वीं ते 10वीं और उसका सरोवर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे सरोवरों में काम चल रहा है, क्योंकि अभी 1 महीना लगा सकते हैं या 25 दिन लगा सकते हैं मेले को, यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है, सरोवरों को साफ़ किया जा रहा है। और हम पहले भी आपको मेला दिखा चुके हैं पिछले साल, आप हमारी वीडियो में जाके देख सकते हैं सिटी 71 पे। थोड़ी पंजाब तो जी? नहीं हरियाणा चो। अच्छा हरियाणा तो आए जी? सिरसा जिले से पैंदी है। अच्छा अच्छा, तो हर साल आवा जी? हर साल। तो बढ़िया लगा जी? बढ़िया। तो यहाँ से तो आज ही आए जी? 2 दिन हो गया। 2 दिन हो गए? तो कितने दिन रुकोगे जी? 2 दिन और रुकेंगे। अच्छा 2 दिन और रुकोगे? सुबह पास हो जाऊंगा। यूपी के भाई है, पंजाब से बहुत लोग। डिस्ट्रिक्ट केड़ा अपना? मोगा जिला। मोगा जिला, तो बढ़िया लग रहा है कपाल मोचन मेला? बहुत बढ़िया, हर साल आते हैं। ठीक ठीक। तो कहाँ से हो? हम पंजाब से ही। पंजाब से? अच्छा यहाँ शॉप लगाई थी पंजाब से? हाँ जी, दुकान लगाई यहाँ पंजाब से। हाँ जी हाँ जी। पंजाब में कौन सी जगह से जी? हसीब समाणा ही। जिसमे हमने पूरे मेले को पूरी अपडेट दिखाई और पूरा इतिहास दिखाया। और अभी भी हमारी कोशिश रहेगी हम आपको पूरा मेला घुमाए, एक एक चीज दिखाए। और जो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, ज़्यादातर लोग पंजाब से या फिर जींद साइड से, नरवाना, हिसार, जो दूर से आते हैं, कि उनको यहाँ पे कमरे की क्या व्यवस्था मिलेगी, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कहाँ पे उनको दुकानें मिलेंगी किराए पर रहने के लिए, तो सारी चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, खबर को साथ के साथ शेयर करते रहें दोस्तों, ताकि लोगों को अपडेट मिलती रहे। अब मैं आपको नीचे जाके, ये गौबच्चा घाट है थोड़ा दोस्तों, हमने पिछले साल यहाँ पर जो मेले की पूरी तैयारियां का उनका लिंक भी हमने अपनी वीडियो में नीचे डाला हुआ है, आप उस पर खोल के आप यहां पे कपाल मोचन का पूरा इतिहास यहां पे देख सकते हैं, पूरी वीडियो देख सकते हैं हमारी। और भाई 15 तारीख के इस बारी मेला है? 15 तारीख की पूर्व भी है जी। 15 तारीख गुरुपर्व? हाँ जी गुरुपर्व है। अच्छा जी, और आज है 18 तारीख। हाँ जी। तो कब तक हो जाएगी तैयारियाँ, पता है कुछ? हो जाएंगे जी, 15-20 दिन में कर देंगे तैयारियां। 15-20 दिन में? हाँ जी। तो पूरा पेंट वगैरह साफ सफाई जैसे सब हो जाएगा? अच्छा, आप तो लोकल ही हो? हाँ जी, मैं अरिकों जी गाँव मिलक खास कर। अच्छा मिलक से? हाँ जी। दोस्तों बड़े ही धार्मिक नगरी है और बहुत सी मतलब कथाएं जुड़ी हुई हैं इस सरोवर से, इस कपाल मोचन से। आओ ऊपर आ जाओ जी, एक मिनट। दोस्तों अगर कपाल मोचन की बात करें, यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। और मेरे पीछे गुरुद्वारा साहब देख सकते हैं, पातशाही 1वीं ते 10वीं और ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। आ जाओ जी नज़दीक, आ जाओ जी। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग आए हैं, कुछ सत श्री अकाल जी। बाहर तो हैं जी? हाँ जी, पंजाब तो हैं जी। केड़े पिंड? जिला बरगाड़ी, पिंड बरगाड़ी, जिला फरीदकोट जी। जिला फरीदकोट? हाँ जी। तो हमारे कुछ सज्जन मिले यहाँ से। बाबा जी सत श्री अकाल जी। बाबा जी यहाँ मतलब दर्शन करने के लिए आया, कैसे आए? दर्शन करने है गुरुद्वारा साहब। अभी पहुँचे हैं? अभी खड़े खड़ी लोग की अभी। अच्छा पीछे कहाँ से आए अभी? पीछे आया जो बोंडा फरीदकोट जिला। हाँ जी। सरहंद जी? जी सरहंद। सरहंद से पटियाला दुखनवाल जी? जी जी। ठीक है जी। एक है गुरुद्वारा साहब की वो अम्मा मास्टर साहब जी। अच्छा जी। अच्छा परमेश्वर द्वार जी? जी 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 जी। ठीक है जी। अच्छा जी। घूमने ऐसे घूमने आ रहे हैं? हाँ बाबा दर्शन के लिए आए हैं। बाबा जी यहाँ पे गुरुपर्व गुरु नानक देव जी की जयंती हर साल मनाते हैं? हाँ मनाते हैं। इस बार 15 नवंबर की है? हाँ जी हाँ जी। पता है जी यहाँ का इतिहास कुछ?
माता जी पहले भी आए यहाँ? नहीं जी पहली बार। पहली बार आए? पहली बार आए जी। बहुत बढ़िया जी। रुकोगे जाओगे मिलने में? कब तक रुकोगे यहाँ? या फिर वापसी है? वापसी है जी। कल शाम पौंडा साहब जाओगे? जाना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप आते हो मिलने हमारे साथ? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, करो आप गुरुद्वारा साहब के दर्शन करो। ठीक है जी। दोस्तों अगर मैं बात करूं कपाल मोचन की, गुरुद्वारा साहब इसके साथ साथ यहां पे अगर पांडव भी यहां पे उन्होंने भी यहां दर्शन दिए हैं, और भगवान शिव और गणेश जी, और यहां पे अपने गुरु रविदास जी का भी बहुत बड़ा मंदिर है, वो भी यहां पे आए हैं। दोस्तों ऐसे ही हम आपको धार्मिक खबरें दिखाते रहेंगे और पूरे मेले की खबरें दिखाते रहेंगे, कहाँ कहाँ क्या अपडेट है और कहाँ आप दुकान ले सकते हैं किराए के लिए या फिर रहने के लिए, आपको खाने पीने की व्यवस्था कौन सी धर्मशाला में होगी, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्मों के अलग अलग धर्मशालाएँ हैं, चाहे वो जाट है, कुमार है, सैनी है या गुज्जर है, जो भी है, हम आपको पूरी मेले की जानकारी देते रहेंगे। दोस्तों खबरों को ज़्यादा शेयर करें, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।